नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन्स। नेपाली कांग्रेस प्रदेश दू अधिवेशन अंतर्गत बुध दिन चुनाव हैत। राम सरोज यादव आ कृष्ण यादव द्वारा सभापति में उम्मीदवारी। जनकपुर धामक विकास पुरुष स्वर्गीय राम नारायण मिश्र आ मक्केश्वर सिंह के स्मरण में स्मृति दिवस मनाओल गेल। नेकपा एमाले द्वारा संसद बैसार में निरंतर अवरोध, अवरोध के बीच प्रतिनिधि सभा से दुटा अध्यादेश पारित। पछिलका 24 घंटा में और 290 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3 गोटे के मृत्यु। असाफ फुटबॉल चैंपियनशिप के उप विजेता नेपाली फुटबॉल टोली के सरकार द्वारा पुरस्कार, खिलाड़ी सब जनी 5 लाख से पुरस्कृत। आप समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस प्रदेश दू के नेतृत्व चयन करबाक लेल बुध दिन मतदान हैत। प्रदेश दू के सभापति में संस्थापन पक्ष अर्थात शेरबहादुर देवा समूह से एखन के रोथट सभापति कृष्ण प्रसाद यादव सभापति में मनोनयन दर्ता करौने छथि। तहिना संस्थापनितर अर्थात प्रदेश दू में विमलेन्द्र निधि समूह के उम्मीदवार के रूप में प्रदेश दू के एखनुक संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव सभापति में उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता करौने छथि। ओ प्रदेश दू के सरकार में भौतिक पूर्वाधार मंत्री समेत छथि। ओ लाइट बंद करू ना, मोबाइल को लाइट दाई रसीद लिदे करे को फोटो लिनु पर्ला। मनोनयन दर्ता संगे प्रदेश दू के पहिल अधिवेशनक लेल नेपाली कांग्रेस के चुनावी सरगर्मी बढ़ गेल अछि। दुनू समूह के समर्थक सब अपन अपन पक्ष में नाराबाजी आ जीत के दावी कर रहल अछि। नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर दुई में अलि पछाड़ी पड़े। मैं नेपाली कांग्रेस अगाड़ी ल्याने प्रयत्न करछु। मैं विश्वास मैं ल्याएर ही छोड़्छु। यो प्रदेश के प्रदेश नंबर दुई में स्थानीय निकाय देखि प्रदेश प्रदेश सभा संघीय सब में नेपाली कांग्रेस को अव्वल अवस्था हुन्छ भन्ने मेरो आधार हो। त्यो हिसाबले म आफ्नो जिम्मेवारी पनि वहन गर्छु। र अर्को यो नेपाली कांग्रेस गुट गुटमा जति बाँडिएको छ मलाई त्यसले म त्यसलाई न्यूनीकरण गर्छु। म सभापति भए भने यो प्रदेशलाई सुदृढ बनाउँछु, हाम्रो संगठनलाई क्रियाशील बनाउँछौ, जुझारु बनाउँछौ र उपगुट होइन कि एक तबत कांग्रेसको निर्माण गर्छु। र आउने इलेक्सनमा यो प्रदेशमा सम्बन्धा बधिमत ल्याएर नेपाली कङ्ग्रेस एकल सरकार बनाउँछ भन्ने मेरो कठोर छ, मेरो दृढता छ, त्यो म गर्छु। मनोनयन के समय भोर में 11 बजे से रहल रही तो 2 बजे के बाद मात्र शुरू भेल छल। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश दू अधिवेशनक लेल सभापति शेरबहादुर देवा समूह के उम्मीदवार कृष्ण प्रसाद यादव के सहयोग कर गृहमंत्री बालकृष्ण खार, सहमहामंत्री महेन्द्र यादव, केन्द्रीय सदस्य आनंद प्रसाद ढुंगाना सहित के देवा समूह के नेता सब जनकपुर में सक्रिय छथि। तहिना राम सरोज यादव के समेत सहयोग कर नेपाली कांग्रेसक केन्द्रीय निवर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधि सहित के नेता सब समेत जनकपुर धाम में आबि कऽ सक्रियता देखा रहल अछि। एहिसँ आगू अगहन 16 गते उद्घाटन सत्र मात्र कऽ प्रदेश अधिवेशन स्थगित कयल गेल छल। किछु स्थान में विवाद के कारण क्षेत्रीय अधिवेशन सब होबय नहि सकलासँ प्रदेश अधिवेशन स्थगित कयल गेल छल आ केन्द्रीय महाधिवेशन के बाद कयल जयबाक जोकर पुछ 7 गते के लेल कयल गेल छल। प्रदेश दू बाहक सब प्रदेश के अधिवेशन सम्पन्न भऽ कऽ नेतृत्व पाबि चुकल अछि। गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड एमसीसी नेपाल के विकास में रहला से एकरा अगाड़ी बढ़ौनाई नेपाल सरकार के दायित्व रहल धारणा रख लेने छे। जनकपुर धाम में मंगल दिन नेपाली कांग्रेसक नेता स्वर्गीय राम नारायण मिश्र के 54वां पुण्यतिथि में भेल श्रद्धांजलि सभा में सहभागी भेल गृहमंत्री खाँड पत्रकार सब संगे संक्षिप्त बातचीत करैत देश के विकास में रहल मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी आगू बढ़ौनाई एखन गलत नहीं रहल जिक्र के लेने छे। अब एमसीसी पूर्ववर्ती सरकारहरुको पालोमै अगाडि बढेको हो र यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै
एमसीसी को प्रस्ताव जो अगर बढ़ाया हो नेपाल सरकार एमसीसी परियोजना को बीच में धेरै वर्ष अगाड़ी नै समझौता भयो समझौता अगाड़ी बढ़ाउनु सरकार को दायित्व हो। मंत्री खाड़ एमसीसी ऊपर सहमति के लिए प्रयास भ रहल समेत बतौलन ओ प्रस्ताव अगाड़ू बढ़ाव वा पारित होब के स्थिति बिना अगाड़ी बढ़ोला पर समस्या होबाक भेला से सरकार सहमति के प्रयास कर रहल धारणा रखलन भ्रम पनि होला हैन यो अमेरिकन सरकार ले खास गरेर गरिबी निवारण र रोजगारी सँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ र यसै अन्तर्गत नेपाल सरकारले विद्युतीकरण र विद्युतीकरणको पनि ट्रान्समिसन स्थापनाका लागि र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो र त्यसलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको हो। यो निशर्त अनुदान हो, यो एमसिसीको जुन परियोजना छ त्यो ऋणमा होइन, यो अनुदान हो। प्रदेश दू नेपाली कांग्रेस के पहिल अधिवेशन के संदर्भ में गृहमंत्री खार लोकतांत्रिक विधि से नेतृत्व चयन होबाक आ दू आ दू से बेसी उम्मीदवार भेल खंड में चुनाव से नेतृत्व चयन कल जेबाक धारणा रखने छलन। अब नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रिया अनुसार कहीं सहमति हुन्छ कहीं निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचन पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो। मन्त्री खार सकभर सहमति के प्रयास करबाक मुदा सहमति नै जुटल गेलमे स्वस्थ निर्वाचन प्रणाली से नेतृत्व चयन हेबाक धारणा रखने छलन। नेपाली कांग्रेसकै 14 महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य मधेसी खुलातर्फ 5 गोटे निर्वाचित भेलै छ। मंगल दिन आयल मतगणना के परिणाम अनुसार मधेसी खुलामे मधेसी महिलामे 23 उम्मेदवार मध्ये 5 गोटे निर्वाचित भेलै छ, जाय मध्ये अजय कुमार चौरसिया सब बेसी मत लाइब क निर्वाचित भेलै छ। मंगल दिन आयल मतगणना के परिणाम अनुसार मधेसी खुला में 23 उम्मीदवार मध्य 5 गोटे निर्वाचित भेल, जाय मध्य अजय कुमार चौरसिया सबसे बेसी मत लाइब के निर्वाचित भेलने वो 2522 मत लौने छलन। तेना दोसर में उद्योगपति विनोद कुमार चौधरी 2206 मत, तेसर में डॉक्टर चंद्रमोहन यादव 2138 मत लाइब के निर्वाचित भेलन। तेना महेंद्र कुमार राय 1984 आ दिनेश कुमार यादव 1959 मत प्राप्त कयने। कुल 4671 मत खसल छल, जाहिमे 13 मत बदर भेल छल। तेना नेपाली कांग्रेस के मुस्लिम दिश के केन्द्रीय सदस्य में मुस्लिम खुला दिश अब्दुल रजाक 2390 आ अब्दुल सतार 2228 मत लाइब के विजय भेलन। दुटा पद के लेल भेल चुनाव में 10 गोटे उम्मीदवार छलन। तेना महिला दिश जावेद खातून जागा 1900 मत लाइब के विजय भेल अछि। एक पद के लिए 6 गोटे बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भेल छल। एहि बीच मुक्ता कुमारी यादव नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन में सर्वाधिक मत लाबे वाला उम्मीदवार बनलिए छ। एखन धरि के मतगणना में धनुषाक यादव सबसे बहुते करीब 4000 मत लाइव के केन्द्रीय सदस्य में निर्वाचित भेली। मधेसी महिला दिश केन्द्रीय सदस्य में विजय भेल मुक्ता खसल 4671 मध्य 3960 मत प्राप्त कैली। वो करीब 85% मत प्राप्त कयने छथि, जे एखन धरि के मत परिणाम अनुसार सबसे बेसी अछि। एखन धरि गणना भेल मत के परिणाम में निर्वाचित उम्मीदवार प्राप्त कयने ई सबसे बहुते मत अछि। एहिसँ आगू खुला केन्द्रीय सदस्य दिस शशांक कोरला 3836 मत प्राप्त कयने छल, मुक्ता शशांक सँ 124 मत बेसी लौली अछि। प्रदेश दू सरकार प्रदेश दू के नाम मधेश प्रदेश में सहमति जुटेबाक प्रयास शुरू कयलक अछि। प्रदेश दू सरकार तथा सरकार के नेतृत्वकर्ता दल जसपा के दिस सँ आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री समेत रहल नेता शैलेन्द्र प्रसाद शाह के अगुवाई में पार्टी के नेता सब मनीष सुमन, सुरेश मंडल, विशेश्वर प्रसाद यादव तथा शैलेन्द्र यादव सदस्य रहल एकटा टोली सहमति के लेल प्रयास शुरू कयलक अछि।
टोली मंगलदीन नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रदेश दू के संसदीय दलक नेता द्वय क्रमशः भरत शाह आ शत्रुघ्न महतो के भेट क नाम मधेश प्रदेश में सहमति जनाब आग्रह करित ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझौने टोली संयोजक मंत्री शाह बतौलन। शाह के अनुसार बुधदिन लोसपाक नेता जितेंद्र सोनल, कांग्रेस के नेता राम सरोज यादव, आय मालिक नेता सत्यनारायण मंडल संगे समेत भेटघाट कर प्रस्ताव सहित सहमति के लिए आग्रह करबाक बतौलन। लोसपा ऐसा आगुए मधेश प्रदेश सभा प्रभाग में निर्णय कलेन के लिए सांसद रानी शर्मा तिवारी के संयोजकत्व में एकता वार्ता टोली समेत गठन कयने। अबीच प्रदेश दू के नाम आ राजधानी संबंध में प्रदेश सभा भीतर रहल दल सब संगे छलफल तथा सहमति निर्माण करबाक लेल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाल संसदीय वार्ता टोली गठन कलक। आगामी बैसार में प्रदेश के नाम मधेश प्रदेश आ राजधानी जनकपुर धाम होब जोकर छलफल तथा सहमति कर लोसपा नेपाल वार्ता टोली गठन कलक। लोसपा नेपाल संसदीय दल के निर्णय अनुसार प्रदेश के नाम मधेश प्रदेश आ राजधानी जनकपुर धाम के लिए प्रदेश सभा भीतर रहल दल सब संगे छलफल तथा सहमति निर्माण कर प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी के संयोजकत्व में वार्ता टोली गठन कयल गेल। लोसपा नेपाल प्रदेश दू के संसदीय दलक नेता जितेंद्र सोनल जानकारी देने। वार्ता टोली के सदस्य सब में प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, जैनुल नारायण, अभिराम शर्मा, उपेन्द्र महतो, लालबाबू शाह आ प्रहलाद गिरी सदस्य रहल छथि। नेता सोनल वार्ता टोली सब दल संगे छलफल आ संवाद कर सहमति में पुगबाक विश्वास व्यक्त कयने। बृहस्पति दिन बैसे वाला प्रदेश सभा के आठम अधिवेशन के दोसर बैसार में प्रदेश के नाम आ राजधानी संबंधी प्रस्ताव पेश होबा कार्यसूची है। कांग्रेसक नेता सब तथा बुद्धिजीवी सब विकास पुरुष तथा नेपाली कांग्रेसक स्वर्गीय नेता रामनारायण मिश्र के स्मरण करे के साथ हुनक योगदान के चर्चा परिचर्चा कलेन। कांग्रेस प्रदेश दू के पहल अधिवेशन के माहौल में जनकपुर धाम में मंगल दिन स्वर्गीय मिश्र के 54वां पुण्यतिथि में भेल श्रद्धांजलि सभा में नेता लोकन स्वर्गीय मिश्र सहित के नेता सब देखौने मार्ग में चल नहीं सकल के कारण एखन कांग्रेस पछाड़ी पर रहल बतौने छे। स्वर्गीय मिश्र बीपी कोरेला के प्रधानमंत्री कार्यकाल में उद्योग मंत्री भेल समय जनकपुर धाम चुरोट कारखाना स्थापना क के क्षेत्र के आर्थिक अवस्था आ सामाजिक रूपांतरण में अहम योगदान पहुँचौने छला। जनकपुर धाम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सहभागी नेता लोकन स्वर्गीय मिश्र के योगदान के चर्चा परिचर्चा कने छला। कार्यक्रम में स्वर्गीय मिश्र के पुत्र तथा एखन प्रदेश दू के प्रमुख समेत रहल हरिशंकर मिश्र, नेता विमलेन्द्र निधि, गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़, नेता एनपी साउद, राम हरि खतिवड़ा, वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली, तहिना प्रदेश दू नेपाली कांग्रेसक सभापति में दावेदार राम सरोज यादव आ कृष्ण प्रसाद यादव सहितक नेता सब के सहभागिता छलन। स्वर्गीय मिश्र के सुपुत्र तथा प्रदेश दू के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र पिता के योगदान आ अटल विचार के अ तरहे स्मरण कने छला। नेपाली कांग्रेस में रहिया, प्रजातंत्र के लेल मरिया, कोनो पार्टी में नहीं जइया, हम कहली बाबूजी इहो हो, और उनका चाहना रहे कि यहाँ लाश लगे या जिनमें भारत सरकार मदद करतो, लेकिन दुर्भाग्यवश वही वक्त पाकिस्तानी वार भेल रहे, हमरा ज्यादा सुविधा नहीं, लेकिन बिहार सरकार अनंत नारायण गवर्नर रहे, उ सारा सुविधा मिला के बॉर्डर तक भेज रहे। यहाँ आला के बाद जो कहले ताहि तरह से पूरा साथी ही नहीं, यहाँ के मोहतरी धमसा जहाँ तक भी संभव है साथी और जनता हुनका आकर के यही जगह पर हुनका दाह संस्करण कलकन। आज तक ले पार्टी और कुछ नहीं, लेकिन एक बात जरूर कही थे कि ये 6 गत के पूछ के हुनका ये जगह पर आकर के श्रद्धांजलि अर्पण करी थे। इतनो याद रखल की पार्टी हमारा बहुत प्रदेश प्रमुख मिश्र जीवन के अंतिम समय में अपन पिताजी अपना कांग्रेस पार्टी में रह आ कहियो पार्टी नहीं छोड़ा कहने सुनौने छलन। ओ पार्टी अपन पिता के लिए किछ कर नहीं सकल रही तो साल में एक बेर उज के दिन एहन कार्यक्रम क स्मरण कर के काज केने में समेत धन्यवाद देने छला। स्वर्गीय रामनारायण मिश्र स्मारक समिति जनकपुर धाम के आयोजना में भेल कार्यक्रम में स्वर्गीय मिश्र के स्मारक निर्माण में भ रहल देरी प्रति समेत असंतुष्टि व्यक्त कयल गेल छल। धेरै जगह मिचिएको पाइयो,
त्यही पनि उहाँहरूले के भन्नु भने हामी पछि यो जग्गाहरू सबै छुट्याउँछौँ, तपाईँहरू यही जति हाम्रो जग्गा छ त्यसमा तपाईँहरू डिजाइन गर्नुहोस्। डिजाइन गर्ने क्रममा त अब हामीले के गरेछौँ भने स्मृति भवनको लागि अब यहाँ बाटो छ, हामीले यो पिलर उठाएर तलबाट बाटो गाडी सजिलो तरिकाले दुई लेनको यताबाट पनि गाडी आउने उताबाट पनि गाडी आउने पिलर उठाएर हाम्रो तल्लो तल्लोमा सबै पिलर हुन्छ, त गाडी आवाजावत हुन्छ। र यहाँ हाम्रो बिल्डिङ 70 मिटरको लम्बाइको छ, 70 मिटर लम्बाइ र 13 मिटर चौडाइको छ, त्यसमा हामीले दुईवटा भर्याङ राखेको छौँ किनभने ठुलो स्पानको भयो। महतारी निवासी स्वर्गीय मिश्र 2015 सालमै पहिल जननिर्वाचित बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारमै उद्योग मन्त्री बन्न सफल भएल छलैन। 2017 सालमै पुस 1 गते बहुदलीय संसदीय व्यवस्था छिनिने तत्कालीन राजा महेन्द्र मिश्रके लम्बा समय धरि जेलमै रखने छल। मिश्रके 2027 साल पुस 6 गते निधन भएल छल। मिश्र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनके निष्ठावान व्यक्तित्वके रूपमै चिन्हाइ छथि। विकास पुरुष कहिकऽ चिन्हल जायवला स्वर्गीय मकेश्वर प्रसाद सिंह के 11वां स्मृति दिवस मनाओल गेल अछि। स्वर्गीय सिंह के स्मृति दिवस में मंगल दिन मकेश्वर बाबू सामाजिक प्रतिष्ठान जनकपुरधाम में श्रद्धांजलि सभा के आयोजना कयने छल। सभा में सहभागी लोकन स्वर्गीय सिंह जनकपुरधाम के विकास में पहुँचौने योगदान के चर्चा परिचर्चा करैत हुनक व्यक्तित्व के विषय में स्पष्ट कयने छलनि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के प्रदेश सभा सांसद रामाशीष यादव स्वर्गीय सिंह जनकपुरधाम के स्वास्थ्य आ शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने स्मरण कयने छलनि। और मनुष्य के रोटी कपड़ा और मकान के बाद यदि कोनो चीज के आवश्यकता बेसी पड़े छै तो शिक्षा और स्वास्थ्य के। मकेश्वर बाबू हमेशा जनकपुर क्षेत्र के शिक्षा आ स्वास्थ्य के सुधार करय के लिए हमेशा जे है से प्रयासरत रहत छला। उनके परिणाम से जे जनकपुर में आखा अस्पताल या जनकपुर में अखन के प्रादेशिक अस्पताल या विभिन्न शिक्षण संस्थान सरस्वती हाई स्कूल से लकर सब में उनकर बहुत महत्वपूर्ण अहाँ के जे है से भूमिका रहले। और खास करके जनकपुर में जे गुट्ठी के जमीन छे वो गुट्ठी के जमीन के संरक्षण करे में भी तिरुतिया गाछी हुए या 12 बीघा हुए रंगभूमि मैदान हुए ऐ सब के संरक्षण करे में मकेश्वर बाबू के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहल। कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह मकेश्वर बाबू प्रेरणाक स्रोत भेल धारणा रखने छलनि। वो आधुनिक जनकपुर धाम के निर्माण में करीब 60 वर्ष धरि सामाजिक सेवा में प्रतिबद्ध मकेश्वर बाबू शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र में पहुँचौने योगदान के चर्चा परिचर्चा कलन। उनका नक्शा पर चले के प्रयास करी छे। आधुनिक जनकपुर के निर्माण में लगभग 60 वर्ष तक सामाजिक सेवा में प्रतिबद्ध रहले थे। हरेक क्षेत्र में उनकर जे योगदान रहे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में मकेश्वर बाबू के जे एकदम अतुलनीय योगदान हम सब नहीं बिसर सकी छी। बहुत भवन छे जे भवन के ईट पर मकेश्वर बाबू के नाम छे, निर्माण के रूप में चाहे शिक्षा के क्षेत्र हुए या जे छै से अपने के स्वास्थ्य के क्षेत्र में छै, ई दुटा क्षेत्र में उनकर बहुत ज्यादा योगदान। कार्यक्रम में प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रितेश कुमार सिंह पछिलका समय सामाजिक सेवा के नाम में विकृति सब देख लागल कहित दुख व्यक्त कयने छलाह। 90% अखनका जे समाज सेवा के नाम पर विकृति हो रहल है, एकरा से समाज में सब कोई महसूस करत होवे। 10% एहन है जे निस्वार्थ भावना से समाज सेवा हो रहा है। कार्यक्रम के बीच प्रतिष्ठान जनकपुर धाम स्थित काव्या अस्पताल के संचालक डॉक्टर एस के सिंह के 5100 राशि सहित मकेश्वर बाबू सामाजिक प्रतिष्ठान पुरस्कार सम्मान मकेश्वर बाबू सामाजिक प्रतिष्ठान पुरस्कार से सम्मानित कयने छल। ओहि क्षेत्र के जनता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिकता लेने बापत आ गरीब तथा विपन्न के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन करे रहल बापत काव्या अस्पताल के सम्मान कयल गेल प्रतिष्ठान जनौलक अछि। सफल समाज सेवी के रूप में चर्चित स्वर्गीय मकेश्वर बाबू जनकपुर धाम के धरोहर सब अंचल अस्पताल, आँखा अस्पताल, रेड क्रॉस सोसाइटी, राराब कैंपस, अपांग संघ, सुस्त मनस्थिति केंद्र, सरस्वती कन्या मावी सहित दर्जनों संस्था सब के संस्थापक व जनकपुर धाम निर्माण में योगदान पहुँचौने छथि। सिंह के जन्म 1983 में भेल छल। 2037 साल के जनमत संग्रह के बाद वन मंत्री बनल सिंह 2026 साल में जानकी मंदिर प्रांगण में राजा महेंद्र के प्रतिमा तोड़फोड़ घटना में जेल समेत पड़ल छलनि। वो 2067 साल पुस 6 गते हुनक निधन भेल छलनि।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के नाराबाजी बीच प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार बैसल आ दुटा अध्यादेश स्वीकृत कलक कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री दीरेन्द्र प्रसाद बड़ू प्रस्तुत कने यौन हिंसा विरुद्ध के किछ एन के संशोधन करे वाला अध्यादेश 2078 आ फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि संबंधी किछ एन संशोधन करे वाला अध्यादेश स्वीकृत कैल गेल बैसार में दुनू अध्यादेश पर नेपाल मजदूर किसान पार्टी सांसद प्रेम सुवाल विरोध के सूचना प्रस्तुत कने छलन मुदा प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकार कैल गेल अध्यादेश स्वीकृत भेला के बाद प्रतिनिधि सभा के बैसार बुध दिन 1 बजे धरि के लिए स्थगित कैल गेल नेपाल मजदूर किसान पार्टीक सांसद प्रेम सुवाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध कर रहल बेर में संसद संचालन केने कहित विरोध जनौने छथि। मंगल दिन एमाले के अवरुद्ध के बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसद के कार्यसूची अगाड़ी बढ़ौला के बाद सांसद सुवाल ओना केनाई संसदीय परम्परा विरुद्ध होयबाक कहित विरोध जनौने छलनि। ओहि क्रम में ओ संसद अवरोध के बेर में MCC जेहन देशघाती समझौता पारित करबाक काम समेत कर नहीं चाही दिस समेत सभामुख सापकोटा के ध्यानाकर्षण करने छलन ओ इस समझौता देशघाती भेल कहित खारिज कर समेत मांग कने छलन। अवरोध गरेको बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्षीय दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेश हुनु र देशघाती MCC सम्झौता पनि यसरी नै पेश गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। बैसारमै मालिक सांसद लोकन संसदकै बेरमे जाकर सभामुख सापकोटा विरुद्ध नाराबाजी केने छल। एमालेक सांसद सब संसद के बेल में जाकर खार भ के सभामुख विरुद्ध नाराबाजी केने छलन मुदा एमाले सांसद सब के नाराबाजी के बीच समेत संसद बैसार चलाओल गेल। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अदालत में विचाराधीन मुद्दा के न्याय निरूपण में प्रतिकूल असर कर जोकर नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध कर के काम कर रहा आरोप लगौने। सभामुख सापकोटा अदालत में विचाराधीन मुद्दा के विषय में संसद में छलफल कर नहीं पेबाक संवैधानिक प्रबंध रहल कहित एमाले के सचेत समेत करौन लगे। मंगल दिन के प्रतिनिधि सभा बैसार में समेत एमाले के सांसद लोग नाराबाजी सहित अवरोध कला के बाद वो अपन असहमति के विषय संसद में राखि के अगाड़ी बढ़ बेर आग्रह कने छलन। वो राष्ट्र हित के कैयन विषय में आवश्यक निर्णय क के अगाड़ी बढ़ पड़बाक संसद अवरुद्ध क के एमाले संसदीय विधि आ प्रक्रिया विपरीत काम कर रहा धारणा रखने छलन। नियमावली 2075 को नियम 21 खंड ख ग र घ का प्रावधान हामी सबैले पालन गर्नुपर्ने प्रावधान हुन्। उल्लेखित प्रावधान पालनाको लागि पुनः अनुरोध गर्दछु सदस्यहरू जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद एवं संसद सदस्यले स्वीकृत विधि पद्धति एवं प्रक्रिया पालन गर्ने कुरामा अझै बढी संवेदनशील हुन एवं प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौँ। सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिहरूलाई राख्न अनुरोध गर्दछु। सभामुख सापकोटा नागरिकता संहिता संघीय निजामती कर्मचारी एन लगायत के महत्वपूर्ण विधेयक सब अगाडि बढाव समेत संसद के संचालन क के अगाडि बढाव के विकल्प नै रहल धारणा रखलन। नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई एमाले यथास्थिति में MCC पास करबाक पक्ष में नहीं रहल बतौलन। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार के बाद प्रमुख सचेतक भट्टराई एमाले कोनो समेत शर्त में यथास्थिति में MCC पास कर के पक्ष में नहीं रहल स्पष्ट कलन। वो गठबंधन तोड़ल गेल में एमाले MCC पास कर सहयोग करबाक हल्ला में कोनो सत्यता नहीं रहल समेत बतौलन। यो गठबन्धन तोड्न कुनै रुचि छैन सरकारमा जान कुनै रुचि छैन नेकपा एमालेलाई अहिले कुनै तपाईँको चाहिँ अर्को गठबन्धन बनाएर सरकारमा जाउँ भन्ने छैन हामी बिल्कुल यो सरकार चाहिँ पूर्ण अवधि चलोस् यो गठबन्धन जारी राखोस् भन्ने पक्षमा छौँ र स्पष्ट गर्न चाहन्छु म नेकपा एमालेको तर्फबाट कि यथास्थितिमा MCC पास गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन कुनै शर्तमा पनि हामी MCC यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा छैन। नेकपा एमालेक सांसद शेरबहादुर तामाङ सत्तापक्ष संसद अवरोध कर रहल आरोप लगा दिलन। एमाले संसद चलावक लेल सत्तापक्ष आ प्रतिपक्ष बीच के वार्ता चाह रहल रही तो सत्तापक्ष वार्ता निकल के फेल के जाए के मूड में रहल हुनक कहब छलन। हाम्रा कुरा राख्दाखेरि नसुने पछाडि सामूहिक रूपमा हामीले नाराको माध्यमद्वारा हाम्रो कुरा राख्यौँ आएका कतिपय चिजहरू हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ र त्यसैले हामीले सत्तापक्षसँग प्रतिपक्षको वार्ता चाहेका हौँ छलफल चाहेका हौँ र
र राष्ट्रिय इस्युहरूमा त्यहाँ छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर अगाडि जान सक्छौँ। हाम्रो कुरा यही हो। नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद राम कार्की एमाले संसद अवरोध क संविधानको मर्यादा नायक जुकल टिप्पणी गरेन। आफूलाई एउटा डेमोक्रेटिक देखाउन प्रयत्न गरेको हो भने उसले यसलाई अमर्यादित गर्न हुँदैन। अब संवादको पहलै भएन भन्ने छ क्या। अब अलिकति अथोरिटेरियन खालको मतलब प्रवृत्ति पछिल्लो कालमा एमालेमा देखा परेको छ। नेकपा एमालेका सांसद सोम प्रसाद पाण्डे संसद अवरोध गराबला किसिमके कोनो इस्यु नै भेल बताउने छलैन। एमाले केवल अवरोधके लेल अवरोध मात्रै कर रहल हुनक तर्क छलैन। स्थिरताको निम्ति जसरी आज नेपाली जनताले हामीलाई मत दिएर धन्य दुई तिहाईको मतको सरकार बनाएका थिए, त्यो अब यो अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यो मात्रै होइन, अब अरू पनि बखेडा झिकेर सदन अवरोध गर्ने अरू खालका गतिविधि गरेर चाहिँ राजनीतिक रूपमा जुन स्थिरता ल्याउनु पर्ने त्यसको ठाउँ अस्थिरता बढी चाहिँ जन्माउने खालको अवस्था जुन सिर्जना भएको थियो, यो चाहिँ बेठिक हो। र मैले त देखेको अहिले जुन खालको सदन अवरोध भएको छ, त्यो सदन अवरोध गर्ने विषय संसद अवरोध गराबला किसिमके नै भेल टिप्पणी कयलनि। संसद अवरोध कयलासँ राजनीतिक दलसब आ स्वयं एमालेके समेत नीक नै होयबाक सांसद पाण्डेके कहब छलनि। एमसीसी खारेज गरेर माग करैत आयल मोहन वैद्य नेतृत्वके नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी नेकपा माले सहितमे राजनीतिक दलसब मङ्गल दिन समेत काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन कयलक। एमसीसी संसदसँ पारित गरेर नै देबाक चेतावनी दैत नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीके नेता सिपी गजुरेल, नेकपा मालेके महासचिव सिपी मैनाली सहितके नेतासबके अगुवाईमे काठमाडौँमे विरोध प्रदर्शन कयल गेल अछि। कार्यक्रममे बजैत नेकपा मालेके महासचिव एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री सिपी मैनाली एमसीसी अनुदान नै भेल दावी कयलनि। ओ कोनो समेत अनुदान संसदसँ पास गरेर नै पर्बाक आ एमसीसी प्रचार कयल गेल अनुसार एखन नै आयल समेत बतौलनि। महासचिव मैनाली एमसीसी मार्फत अमेरिका नेपालके सैन्य रणनीति भित्र पारिकऽ चीनसँगै लडकके लेल नेपालके अखाडाके रूपमे प्रयोग गर्न चाहि रहल समेत बतौलनि। ओ 50 करोड डलरमे नेपालके स्वाधीनता बिक्री नै गर देबाक चेतावनी दिलनि। जुन प्रयोजनको निम्ति नेपालमा आइरहेको छ नि, त्यो भनेर प्रचार गरिएको जस्तो गरी यो आएको छैन, यसलाई अनुदान हो भनेर भनिरहेका छन्। तहिना नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीकी नेता सिपी गजुरेल एमसीसी नेपाली सबके लेल एकटा धोखा भेल बतौलनि। ओ विकास निर्माणके नामे आवला रकमके नामे अमेरिका सुरक्षा रणनीति भीतर प्रवेश कराबऽ चाहि रहल आरोप लगौलनि। नेता गजुरेल एमसीसी समझौता खारिज नै होबऽ धरि आन्दोलन जारी रहत धारणा रखने छलनि। वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालके संयोजक विश्वभक्त दुलाल आहुति संसदवादी दलमे समेत देशभक्त नेतासब भेलासँ सहजे एमसीसी पास होबऽ नै सकबाक धारणा रखने छलनि। संयोजक दुलाल एमसीसी लागू भेल संयोजक दुलाल एमसीसी लागू नै भेल अछि कहिकऽ बातमे कोनो सत्यता नै रहल आ एमसीए कहैवला संस्था बनिकऽ 11 अरबसँ बेसी रकम खर्च कऽ चुकल समेत दावी कयने छलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादीक अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संसदमे अपन उपस्थितिसँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली डरा रहल धारणा रखने छ। अध्यक्ष नेपाल संसदमे अपन उपस्थितिसँ ओली एकदमै घबरा गेलासँ अपना सबके ध्येय कम्युनिस्ट आन्दोलन आ नेपाल राष्ट्रके गरिमाके उच्च बनौनाइ रहल धारणा रखलनि। मंगल दिन पोखरामे भेल पार्टीके गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममे ओ एमाले संसदमे संविधानके सम्मान करबाक नारा लगौने रहितो कहियो सम्मान नै केने आरोप लगौलनि। एमाले संसदीय मर्यादाके समेत पालना नै केने अध्यक्ष नेपालके आरोप छलनि। केही मतलब छैन, नेपाली जनताको साथो कायम रहनुपर्छ, नेपाल राष्ट्रको गरिमा माथि उठ्नुपर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिनुपर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय बनाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो ध्येय त्यही नै हो, नेपाली जनताको सेवा। अध्यक्ष नेपाल एमाले अपन पार्टीके प्रमुख प्रतिद्वन्दी भेल धारणा रखलेने छ। ओ एमाले ओलीके प्राइभेट कम्पनीके रूपमे रूपान्तरण भऽ चुकल दोहराउने छलनि। ललितपुरके भैँसे पार्टीमे जारी सङ्घीय मन्त्री क्वार्टर निर्माणके काम
66% पूरा भेल अछि। मंगल दिन राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति के ने अनुगमन के क्रम में समिति के कार्य प्रगति के विषय में जानकारी देत आयोजना निर्देशक दिलीप श्रेष्ठ संघीय मंत्री निवास निर्माण के काम 66% भ चुकल जानकारी दिलन। निर्देशक श्रेष्ठ स्थानीय सब के अवरोध तथा कोरोना महामारी के कारण निर्माण काज में देरी भ रहल समेत बतौलन। निर्देशक श्रेष्ठ मंत्री निवास के भवन सब तैयार भ चुकल मुदा भवन के भीतरी सजावट के काम मात्र बाकी रहल धारणा रखलन। चालू आर्थिक वर्ष के अखार महीना धेर में संघीय मंत्री आ प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमंत्री आवास तैयार क लेबाक समेत वो बतौने छलन। अनुगमन के बाद समिति में राष्ट्रीय सभा के सांसद वामदेव गौतम मंत्री निवास स्थान उपयुक्त स्थान में नहीं भेल टिप्पणी कयने छलन। वो विश्व के कोनो समय देश में मंत्रालय तथा संसद भवन से लंबा दूरी में मंत्री निवास नहीं होबाक धारणा रखने छलन। वो एखन बनैत जा रहल मंत्री निवास से मंत्रालय में जाए कमती में आधा घंटा लगबाक धारणा रखने छलन। तेना दीनानाथ शर्मा निवास निर्माण में भेल अवरोध हटाबक लेल ललितपुर महानगरपालिका के मेयर तथा जनप्रतिनिधि सब संगे बैस के समस्या समाधान के विषय में छलफल कर प्रबाक बतौने छला। सरकार ललितपुर के भैंसे पार्टी में मंत्री आवास निर्माण के लिए 2076 कार्तिक 27 गते श्री को हनुमान जेवी संग समझौता कने छल। 96 रोपनी 10 अना जग्गा में काम कर 1,03,46,00,000 रुपया में समझौता कैल गेल छल। सरकार क्षेत्र में 24 संघीय मंत्री निवास आ राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के निवास राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष के निवास आ उप सभामुख के निवास का 27 ब्लॉक निर्माण कैल जाए। दू चरण में निर्माण हो वाला आवास के पहल चरण में 27 भवन कंपाउंड सड़क ढल आ भौतिक पूर्वाधार निर्माण कैल जा रहा है। दोसर चरण में हरियाली सुरक्षा कम्युनिटी हॉल समेत बनत। तहिना समिति मंगल दिने सिंहदरबार भीतर बनत जा रहल संघीय संसद भवन के समेत अवलोकन तथा निरीक्षण कैलक। नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के बहिर्गमन के संबंध में राजनीतिक दल सब अपन निर्णय कर पर बात बतौलने। मंगल दिन बार एसोसिएशन सर्वोच्च अदालत में आयोजना के विरोध के कार्यक्रम के बाद बार एसोसिएशन के भवन परिसर में संबोधन करते अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबरा के बहिर्गमन के लिए सब राजनीतिक दल सब के बार आग्रह कला सब इस संबंध में दल सब अपन निर्णय कर पर बात बतौने छलन। राजनीतिक दल सब न्यायपालिका में भ रहा विवाद के संबंध में मुख्य दर्शक भक बैस नहीं मिलवाक हुनक कहब छलन। नेपाल बार एसोसिएशन ने वहाँ को पुनर् वहाँ को बहिर्गमन को लगी हमी सत्र पुदा विभिन्न दल दी सकता छो प्रधानमंत्री देखि लीएर प्रतिपक्षी दल को नेता सब का जो संसद का नेता हम दी सकता छो वहाँ यह विषय में आपको निर्णय करूर्द मुखदर्शक भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा तुलनामा दुबै राख्ने उहाँहरूको उद्देश्य हो भने त्यही अनुसार भन्नु पर्यो होइन भने न्यायाधीश श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वयं नंगा भ चुकल बात स्वीकार कर चुकल दावे के लेने न्यायपालिका के नंगा हो बनी देव के लिए प्रधान न्यायाधीश पद से राजीनामा देव पर बाक हुना कहब छलन। किछु दिन एम्हर स्थगन भेल बार एसोसिएशन के आंदोलन फेर से शुरू भेल अछि। मंगल दिन कानून व्यवसायी सब नाराबाजी सहित सर्वोच्च अदालत पहुँच कर प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा मांग करैत विरोध प्रदर्शन कैलक। प्रधान न्यायाधीश जबरा राजीनामा नहीं देवे धरि विरोध के कार्यक्रम जारी रहत नेपाल बार एसोसिएशन जनौलक। देशभर पछिल्का 24 में 290 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पछिल्का 24 में 17,089 गोटे के कोरोना परीक्षण कला पर 290 गोटे संक्रमित थप्याल अछि। 12,473 गोटे के PCR परीक्षण आ 4,616 गोटे के एंटीजन परीक्षण कैल गेल छल। तहिना गत 24 में 232 गोटे कोरोना से संक्रमण मुक्त भेल अछि। पछिल्का 24 में कोरोना संक्रमण से 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन 5,242 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार काठमांडू में 90 ललितपुर में 38 आ भक्तपुर में 18 गोटे सक्रिय संक्रमित सब थप्याल अछि। प्रदेश दू में पछिल्का 24 में 4 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार मंगल दिन धनसा में 2 महतरी में 1 आ सरलाही में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश दू में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,606 पहुँच गेल अछि। मृतक के संख्या 1,040 अछि। तेना प्रदेश दू में अखन धरि 37,499 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छथि। प्रदेश दू में अखन 67 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ के अध्यक्ष कुलप्रसाद मल्ली नेपाल में तत्काले एलपी गैस के खपत के निरुत्साहित करने होबाक बतौलन। सोम दिन नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ काठमांडू में 22वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में अध्यक्ष मल्ली सरकारें विभिन्न इंडक्शन चूल्हा के प्रयोग
कक एलपी गैस के खपत के निरुत्साहित करने सकबाक धारणा रखने छे तेना कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रप्रसाद ढकाल नेपाल आयात निगम घाटा में नेपाल आयल निगम घाटा में गेला से आ पेट्रोलियम पदार्थ तथा गैस आयात कर निजी क्षेत्र के समेत देव पड़बाक धारणा रखने छलन वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल सरकार निजी क्षेत्र संग संबंधित नीति बनौला पर सरकार सरोकार वाला निकाय के समेत शामिल कर पड़बाक धारणा रखने छलन आब स्पोर्ट्स न्यूज साफ फुटबॉल चैंपियनशिप के उपविजेता नेपाली फुटबॉल टोली के सरकार नगद सहित सम्मान कलक मंगलदिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में युवा तथा खेलकूद मंत्रालय आयोजन कने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा पहिल बेर फाइनल में स्थान बनबत उपविजेता भेल टोली के जनी 5,00,000 नगद सहित सम्मान कलक ऐसे आगू 13 संस्करण के साफ उपविजेता कहित स्वदेश घूरल टोली के सरकार कार्तिक 31 के मंत्रिपरिषद के निर्णय से जनी 5,00,000 रुपया पुरस्कार देवा घोषणा कने छल वही अनुसार सरकार 23 खिलाड़ी के 5,00,000 तीन गोटे प्रशिक्षक के जनी 3,00,000 आ 4 ऑफिशियल के प्रमाण पत्र सहित सम्मान कलक युवा तथा खेलकूद मंत्रालय आयोजना कने सम्मान कार्यक्रम में मंत्री महेश्वर गहतराज समेत सहभागी छलन साफ फुटबॉल के इतिहास में पहल बेर फाइनल प्रवेश करे नेपाल भारत संग पराजित भेल छल पुरस्कार वितरण के बाद बजत प्रधानमंत्री देवा राष्ट्र के लिए पदक दिया वाला खिलाड़ी के सम्मान कर पोला पर खुशी लागल धारणा रखने छलन ओ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में परिचय बनाव खिलाड़ी सब के ने मेहनत प्रति आह्वान व्यक्त कने छलन कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतायरी कप्तान किरण चेमजोंग आ रोहित चंद उपस्थित नहीं छलन कप्तान किरण मालदीव्स में आ रोहित इंडोनेशिया में व्यावसायिक फुटबॉल खेल गेल बताओल गेल मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला समेत नेपाल बाहर रहल छथि अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से नेपाली कांग्रेस प्रदेश दू अधिवेशन अंतर्गत बुध दिन चुनाव हैत राम सरोज यादव आ कृष्ण प्रसाद यादव द्वारा सभापति में मनोनयन जनकपुरधामक विकास पुरुष स्वर्गीय राम नारायण मिश्र आ मकेश्वर सिंह स्मरण में स्मृति दिवस मनाओल गेल नेकपा माओवादी द्वारा संसद विसार में निरंतर अवरोध अवरोध के बीच प्रतिनिधि सभा से दुटा अध्यादेश स्वीकृत पछिल्का 24 घंटा में और 290 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल 3 गोटे के मृत्यु आ साफ फुटबॉल चैंपियनशिप के उपविजेता नेपाली फुटबॉल टोली के सरकार द्वारा पुरस्कार खिलाड़ी सब के जन ही 5,00,000 से पुरस्कृत कैल गेल अपन न्यूज एखन के लिए पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब नमस्कार।